अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम है खुर्मश्ताद आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम एक डाटा बेस अपने सी पैनल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं और एक डाटा बेस यूज़र उस डेटा बेस को कैसे असाइन कर सकते हैं और कौन कौन सी परमिशन हमें देनी चाहिए तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपना सी पैनल अकाउंट लॉग इन करें स्क्रोल डाउन करें डेटा बेस सेक्शन में माई एस क्यूल डाटा बेस के ऊपर विजिट के ऊपर क्लिक करें नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लिखेंगे डेटाबेस का नाम जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं और लिखने के बाद हम इसको करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे हम यूज़र नेम जो इस डेटाबेस को हम असाइन करेंगे और फिर लिखेंगे पासवर्ड पासवर्ड मैं रिकमेंड करूँगा सिस्टम जनरेटेड यूज़ करें क्योंकि वन टाइम तो आपने कन्फिक्ट फाइल में जाके सेव कर देना होता है जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करें एडवांस ऑप्शन में आ जाए डिफरेंट ऑप्शन है मैं ये वाली यूज़ करता हूँ सेलेक्ट किया आई हैव कॉपी पासवर्ड और इसको यूज़ कर लिया मैंने आप क्रिएट यूज़र पे क्लिक करें पासवर्ड को हम सेव नहीं करना चाह रहे नॉट नाउ कर दें अगर तो आप एक नई डाटा बेस बना रहे हैं और उसमें काफ़ी सारी ऑल्ट्रेशन करनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑल पे चेक लगाएँ अदरवाइज़ हम ऑल्टर क्रिएट डिलीट सेलेक्ट अपडेट इंसर्ट इन के ऊपर चेक लगाएंगे या फिर जो भी आपको फीचर रिक्वायर्ड है इसके अंदर वो वो आप एक्शन इसको अलाउ कर सकते हैं मैं ऑल पे चेक लगाता हूँ और मैं एक चेंजेस कर देता हूँ ये हमारी डाटा बेस क्रिएट होगी है ये हमारे डाटा बेस ये हमारा डेटाबेस बेस का यूज़र है और ये हमारी डाटा बेस है पासवर्ड हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है आज के लिए इतने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़